पुणे से आई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की दो सदस्यीय डॉक्टरों की दल ने एमजीएम अस्पताल के वायरल पीड़ित डॉक्टर और मरीजों के रक्त का नमूना जांच के लिए लिया है। शहर में फैलते वायरल फीवर को रोकने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पुणे से आए डॉक्टर गौरव और डॉक्टर गोपाल कृष्णन ने शनिवार को एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर पी सरकार और कुछ मरीजों का ब्लड सैंपल जांच के लिए लेकर गए। सैंपल में वे लोग यह जांच करने की किस तरह के वायरस और बैक्टीरिया है। डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने बताया है कि इन्फेक्शन का सैंपलिंग होने के बाद वे लोग इलाज के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। उनका यह अभियान और दो दिनों तक चलेगा। साथ ही कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है, अगर हुई है तो उस मरीज को कोई और प्रॉब्लम से हुई होगी। एनआईवी की नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी की टीम है जो सब जगह पूरे शहर में हम लोग घूम घूम कर ले रहे हैं, कल भी होगा, जब लगातार होगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वायरस है, कौन सा वायरस है और कौन कौन से वायरस, मिक्स्ड वायरस है तो कौन से वायरस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो क्या है। ये सैम्पलिंग हो रहा है, ये सैम्पलिंग करके तब किसी कंक्लूजन पर पड़ेंगे कि आगे, अभी तो जैसे अभी पेशेंट डिक्लाइन कर गए हैं, कम हो रहे हैं, तो आगे फिर ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब तक कितने रिसर्च के लिए ब्लड इकट्ठा हो गया? ये अभी नहीं कह सकते, अभी तो हो रहे हैं। आज ही से शुरुआत नहीं, ये दो दिन पहले हो गया, दो दिन पहले। डॉक्टर का क्या नाम है सर? ये डॉक्टर का नाम है डॉक्टर गौरव और डॉक्टर गोपाल कृष्ण, दोनों साइंटिस्ट रैंक के हैं। किस इंस्टीट्यूट? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से है। वायरल से अभी कोई भी डायग्नोस्ड वायरल से कोई भी केस ऐसा नहीं है, ये कंफर्म्ड है कि कोई वायरल से डिसीज अभी तक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि चिकनगुनिया में कोई डेथ नहीं होता है, रिकॉर्ड है अभी तक का। देयर इज नो अदर इन्फेक्शन होगा, सपोज ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो और कुछ भी होगा, पहले से किसी को किडनी का इन्फेक्शन हो, कुछ हो, उसके चलते हुआ हो तो हुआ, लेकिन अगर वायरस के चलते अभी नहीं है, अभी तक नहीं है। डॉक्टर आशीष कुमार सीट ने कहा है कि वे लोग अब तक 30 कैंप लगा चुके हैं, जिसमें 5000 से अधिक वायरल फीवर के मरीजों का इलाज कर चुके हैं। उनके कैंप में सबसे अधिक मरीज हरहर गुट्टू बागबेड़ा रूरल क्षेत्र से इलाज कराने आए। तो हमारे यहाँ तो करीब 30 कैंप हो चुके हैं, जिसमें 5000 क्रॉस कर चुके हैं पेशेंट। इसमें सभी वायरल के? सभी वायरल के नहीं है, मतलब कुछ हल्का बना के हम बताए ना, मोर देन 80%। अच्छा, 80% वायरल। हाँ, और जो 20% है वो 20% है कुछ ऐसी पेट दर्द है। तो अब तक कुछ सर डेंगू का भी कुछ हमारे यहाँ तो कोई ऐसा केसेस नहीं है, वो है एमजीएम से है, टीएमएच से मालूम चला डेंगू चिकनगुनिया का। कुछ मौत भी हुई है क्या सर इस पर? नहीं, यहाँ से तो मौत नहीं हुई। सबसे ज़्यादा मरीज आए हैं वो हरहर गुट्टू बागबेड़ा एरिया से। हरहर गुट्टू बागबेड़ा एरिया से। ये किस क्षेत्र में आता है? जुगसलाई? ये जुगसलाई रूरल क्षेत्र में आता है।